नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, ये डबल बियरिंग असेंबली है। मेरे साथ आपने इस असेंबली को इससे पहले इन्वेंटर KTRV5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर भी बनाया है। आज हम इसे बनाएंगे NX12 पर, तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने चार पार्ट्स बनाए हैं दोस्तों। पहला ये पार्ट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यह है बेस, इसके बाद ये है कैप, उसके बाद इन दोनों के बीच में बुशेज लगे हुए हैं और इनकी टाइटनिंग के लिए हमने यहाँ पर बोल्ट बनाए हैं। तो इन्हें सब बनाने के बाद फिर हम इसे असेंबल करेंगे। यहाँ से मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इसे क्लोज करने के बाद हम नई फाइल एक ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद एक नई फाइल हमें ओपन करनी है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, एक नई फाइल ओपन हो गई। ये दोस्तों एक नई फाइल ओपन हो गई। यहाँ से अब हम स्केच बनाएंगे। स्केच पर क्लिक किया मैंने। स्केच पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये वाला जो प्लेन है XZ, ये प्लेन मुझे चाहिए। इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। इस तरह से देखिए, इस ओरिएंटेशन में घूम कर ये मेरे सामने आ गया। अब मैं यहाँ से ये लिया मैंने लाइन और एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ, और यहाँ से लेंगे अब हम ये आर्क पर क्लिक किया मैंने। इस पॉइंट और यहाँ इस पॉइंट के बीच में ये हम रेडियस ले लेंगे 15 और एंटर प्रेस करेंगे। ये यहीं पे क्लिक कर दिया मैंने, एस्केप दबाया। अब यहाँ से दोस्तों ये जो वैल्यू है इसे चेंज कर देंगे हम। डबल क्लिक किया इस पर, इसे चेंज करके कर दिया 25 और यहाँ से इसे चेंज करके कर दिया 20 क्लोज। और यहाँ से जाएंगे हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पर। अब ये पॉइंट ऑन कर्व है, यहाँ पे लिया वर्टिकल अलाइनमेंट, ये ले लिया हमने। और एक पॉइंट ये, यहाँ से कैंसिल किया इसे। अच्छा, ये जो है डायमेंशन, इसे हम कर देंगे 20, सॉरी कंट्रोल सेट, और इसे यहाँ कर देंगे 20। तो ये मेरे को बराबर आ जाएगा। हमें इसको मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने इस लाइन की डायमेंशन और इस सेंटर लाइन जो है, ये पॉइंट है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, दोनों को मैंने सेम वैल्यू यानी कि 20 पे कर दिया, इसलिए हमें सही नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये ऑफसेट है, ये जो सेंटर है ये ऑफसेट नज़र आ रहा है 0.5 का, इसे हम 0 कर देंगे। देखिए बिल्कुल ये सीध में आ गया इसके। अब ये जो डिस्टेंस ये नज़र आ रहा है, इसे भी हम 0 कर देंगे। ये पहले सेंटर का था, अब इस वाले पॉइंट का है, इसे भी 0 कर दिया हमने। तो ये देखिए, ये अब आर्क हमें बिल्कुल सही सही नज़र आ रही है, इस तरह से चाहिए हमें। और ये वैल्यू हम कर देंगे यहाँ से 15, तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं लाइन, ये लाइन यहाँ से बढ़ेगी आगे। ये वैल्यू ले ली हमने 20, एंगल 0 है तो 0 एंटर। नीचे की तरफ आएंगे, लेंथ हमने दे दी 20 और एंटर दबाया, 270 फिर टाइप करके एंटर कर दिया। इस डायरेक्शन में गए, लेंथ दे दी हमने 20 एंटर और एंगल 0 एंटर। नीचे डायरेक्शन में आए, वैल्यू दे दी 30 एंटर, 270 एंटर। इसके बाद इस डायरेक्शन में आएंगे, 45 एंटर, 180 एंटर। अब इसके बाद एक क्लिक ऐसे एंगल पे और एक क्लिक यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे आर पार, एस्केप दबाए बाहर निकल आए। अब जाते हैं यहाँ से रैपिड डायमेंशन में। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इसे हम ले लेंगे कितना, 10। ओके,
अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस आ रहा है, इसे भी हम 10 ले लेंगे, क्लोज। अब इसके बाद इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ ये लाइन बनाई। अब ये बचे हुए हिस्से को इधर से ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम कर दिया हमने, क्लोज। अब क्या करना है कि इसे मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए यहाँ से देखिए, पहले तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को, और एक लग इधर, एक लग इधर, इस तरह से देखिए सेलेक्ट हो गया। ये बीच वाली लाइन को नहीं करेंगे, यहाँ से अब ये ले लिया हमने मिरर कर्व, और सेलेक्ट सेंटर लाइन, तो ये हो गई सेंटर लाइन, और अप्लाई और कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, अब यहाँ से वैल्यू हम लेंगे सिमेट्रिक, और ये ले लिया हमने 60, 60 की जगह यहाँ पे लेंगे वैल्यू 30, ओके। अब आगे का प्रोफाइल एक बनना है, स्केच पे गए, ये फेस को हमने लिया, ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम प्रोफाइल कमांड लेते हैं, और ये लाइन बनाई, और इसके बाद सर्कल, ये हो गया सेंटर, और डायमीटर की वैल्यू दी 30, एक इधर और एक ये इसके सेंटर पर, यहाँ पर। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, ये ऑफसेट नहीं होना चाहिए, बस ये देखना है। देखिए जैसे ये ऑफसेट है, ये तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन ये सेंटर पर नहीं है, तो एस्केप दबाया, सेलेक्ट किया, डिलीट, कैंसिल, फिर सेलेक्ट किया, डिलीट। अब यहाँ से ये है सेंटर 30, अभी भी ये सेंटर पर नहीं है, तो यहाँ से रैपिड डायमेंशन, सॉरी कैंसिल किया, ये डायमेंशन यहाँ से शो हो रही है, ये ले लिया 35, अभी बिल्कुल सेंटर पर आ गया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी सेंटर पर एक सर्कल और बनेगा, डायमीटर होगा 50 का, और ये देखिए यहाँ क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया। अब इसके बाद यहाँ नीचे से ये जो मिड पॉइंट ये नज़र आ रहा है हमें, ये ट्रैक करिए यहाँ से, तो ये पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे 15, 180 एंड हाँ, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे यूँ बढ़े, क्लिक कर दिया, एस्केप। अब इधर से यहाँ ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आर पार ले जाएंगे यहाँ से। अब ट्रिम करेंगे इस हिस्से को, ये देखिए ये, और ये हिस्सा ट्रिम हो गया। अब यहाँ से इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक, सॉरी ये लाइन को सेलेक्ट किया, दोनों लाइनें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिरर कर्व, और यहाँ से लिया कैंसिल, इसे सेलेक्ट किया, और इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से लेंगे हम सॉरी ये है मिरर कर्व, और सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस हमने ले लिया सेंटर लाइन की जगह, ओके। अब ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग करने की बारी है, यहाँ से लिया ट्रिम, देखिए ये हिस्सा ट्रिम होगा, ये ट्रिम हो जाएगा पूरा, इसके बाद ये ट्रिम होगा, ये बीच का पोर्शन, ये भी ट्रिम होगा, और ये ट्रिम हो जाएगा, कंट्रोल जेड। यहाँ से ये कनेक्ट नहीं है, यानी कि इसे हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में
बाउंड्री नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ये लाइन बनाई, एस्केप दबाया, बाहर निकले, एक्सटेंड, ये देखिए ये एक्सटेंशन मिला। अब यहाँ से ट्रिम, और क्लोज, अब इसे ट्रिम करते हैं, ये देखिए अब ये हिस्सा बच गया इसका, क्लोज, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, और ये अभी यहाँ नीचे से ये अभी बंद नहीं है, कैंसिल किया इसे और डबल क्लिक किया यहाँ पर, और इधर से क्विक एक्सटेंड, ये बंद हो गया, अब क्लोज, एक्सट्रूड, इस तरह से देखिए ये दिखेगा। अब ये वैल्यू देंगे 10, एंटर, ओके। इसके बाद इसे को मिरर करना है हमें पीछे की तरफ, तो एक्सट्रूड 3, यहाँ से लेंगे हम मिरर फीचर, सेलेक्ट प्लेन, तो ये प्लेन हमने लिया, ओके। मिरर पीछे नहीं नज़र आ रहा, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट किया, फिर से करते हैं इसे, एक्सट्रूड 5, स्केच, अब यहाँ से मिरर फीचर, कैंसिल, देखिए इस बार ये हो गया। हमने क्या किया कि फीचर में ये दोनों चीज़ें ले ली, एक्सट्रूड 5 भी ले लिया, स्केच भी ले लिया। अब इसके बाद हमें होल बनाना है, तो होल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केच और ये सरफेस ली, और ओके, इस तरह से घूम कर आया हमारे सामने, थोड़ा सा जूम इन किया। अब यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक किया, डायमीटर की वैल्यू 10, अब एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एस्केप दबाया। अब यहाँ से जो ये डिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमें चेंज करना होगा, ओके। तो ये है यहाँ से 15 पर, ये है 30 पर, और ये डिस्टेंस है 15 पर, ओके। यहाँ से क्लोज किया। अब डिस्टेंसेस इधर से भी ये नज़र आ रहे हैं, देखिए एक ये दिखाई दे रहा है और एक पहले, तो यहाँ से सही कर लें इसे, ये हो जाएगा 60, ओके। और यहाँ से रैपिड डायमेंशन, इस सेंटर का ये डिस्टेंस जो है ये भी 60 है, और इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 60 ही चाहिए हमें। अब इन तीनों सर्कल्स को जो है हमें मिरर करना है, एक यहाँ से, ये देखिए तीनों को मिरर करने के लिए हमने सेलेक्ट किया, ये विंडो बना के सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा मिरर कर्व, और ये जो एक्सिस है इसे हमने ले लिया रेफरेंस के लिए, ओके कर दिया। यहाँ क्लोज किया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब इसको मिरर करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से मिरर कर्व, एक, दो, तीन, सेंटर लाइन ये ले ली, ओके।
इसकी वजह से काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें मिरर हो पा रही थी अपने से, मतलब उस वजह से बहुत सारे जो स्केच में और भी पार्ट्स थे वो मिरर हो जा रहे थे, इस वजह से हमने इस तरह से किया। अब फिनिश स्केच, फिनिश स्केच के बाद एक्सट्रूड, ये स्केच यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ये जो है ये वैल्यू यहाँ से ये फ्लिप करेंगे पहले तो, और ये वैल्यू हो जाएगी 30 mm, और इन्फर्ट की जगह सब्ट्रैक्ट, और ओके। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया। अब यहाँ से हमें सारे पार्ट्स जितने भी एज ब्लेंड पर जाएंगे, इससे हम क्या करेंगे कि जितने कॉर्नर्स हैं उन सबको फिलेट कर लेंगे। ये देखिए ये सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद ओके। देखिए जितने भी कॉर्नर्स थे सारे वो राउंड हो गए। अब यहाँ से सिलेक्शन फिल्टर ऑन करेंगे। पहले हमने ले लिया स्केच, ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसमें जितने स्केच थे सारे एक्टिव हो गए, इनको हाइड कर दिया ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये शेडेड ओके। अब यहाँ से इनका अपीयरेंस चेंज करते हैं, व्यू एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओके। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे इसका, ये मीडियम ग्रे ले लिया ओके। अप्लाई ओके, इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखने लगा। अब इसे सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, सेव एज, इसे ले जाएंगे हम डेस्कटॉप पर। यहाँ पे हम सेव करेंगे बेस वन, एंटर, ये ऑब्जेक्ट आपका सेव हो गया। इसके बाद अगली फाइल ओपन करते हैं, इसे क्लोज करने के बाद, इसे क्लोज कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट फाइल हम ओपन करेंगे, न्यू, ओके। इसके बाद स्केच, वही वाला प्लेन जो इससे पहले हमने लिया था, और रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक ऊपर, एस्केप, इसे ले लेंगे 25, और इसे ले लेंगे 140, क्लोज। यहाँ से सर्कल, वैल्यू ले ली डायमीटर की 30, ऐसे ही यहाँ पर भी प्लेस कर दिया इसे। अब रैपिड डायमेंशन, सेंटर से ये वर्टिकल एक्सिस, इसका डिस्टेंस चाहिए हमें 35 ओके, ये हो गया। और फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये भी हमें 35 चाहिए, ये भी हो गया, क्लोज। अब ट्रिम करते हैं यहाँ से, देखिए ट्रिम ये पोर्शन पूरा, और ये यहाँ से ट्रिम हो गया, क्लोज। फिनिश स्केच, एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, सिमेट्रिक वैल्यू 30 ओके। अब यहाँ से अगला स्केच बनाएंगे, स्केच, इसका फेस लिया ओके। अब यहाँ से सर्कल, वैल्यू 30, ये देखिए, और ये इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये लिया, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ से, ये क्लोज कर दिया इसे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। अब दो सर्कल और बनेंगे इसी सेम सेंटर पर, यहाँ वैल्यू देंगे हम डायमीटर की 50, और एक यहाँ पर, एस्केप। अब ट्रिमिंग शुरू करते हैं, ट्रिम, ये पूरा हिस्सा ट्रिम हो जाएगा, ये दोनों
ऐसे ट्रिम होंगे और ये इस तरह से ट्रिमिंग हो जाएगी। इसके बाद एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा। क्लोज, और ट्रिमिंग में जाते हैं तो फिर ये भी ट्रिम होगा। क्लोज। अब इसके बाद फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, और ये वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, इसे ही पीछे की तरफ मिरर करेंगे। स्केच भी ले लिया इसका, मोर मिरर फीचर, सेलेक्ट प्लेन, ये हो गया इस तरह से। अब जैसे हमने पिछले वाले ऑब्जेक्ट में होल बनाए थे, सेम उन्हीं लोकेशंस पर इस फेस पर हमें होल बनाने हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने सर्कल एक क्लिक इधर वैल्यू ले ली 10 mm, और एक यहाँ प्लेस किया, एक यहाँ प्लेस किया, एस्केप दबाकर बाहर निकले, ये इधर और इसे कर देंगे 0, ये सेंटर पर आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 30, ये वैल्यू हो जाएगी 15, और ये वैल्यू भी हो जाएगी 15। ये हो जाएगी 60, और रैपिड डायमेंशन इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर निकल कर आएगा 60। ये ओवर कंस्ट्रेंट दिखा रहा है, यानी कि ये कहीं पर दे रखी है डायमेंशन। यहाँ से ये ओवर कंस्ट्रेन हो रहा है, तो राइट क्लिक करके डिलीट किया और इसे भी डिलीट कर दिया डायमेंशन को। अब इसे करते हैं रैपिड डायमेंशन, ये फिर ओवर कंस्ट्रेन हमें दिखा रहा है। राइट क्लिक, डिलीट, फिर इसे डिलीट किया, इसको ही डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ से सेलेक्ट किया इसको और डिलीट। ये डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमारा सर्कल सेट हो चुका है, तो इसे मिरर कर लेते हैं यहाँ से। मिरर कर्व, सेंटर लाइन की जगह ये वर्टिकल एक्सिस। ओके, अब फिर से मिरर कर्व को यूज़ करेंगे हम। एक, दो, तीन, सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये हो गया। ओके, इसके बाद फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, इसकी वैल्यू यहाँ से ये पहले तो फ्लिप करेंगे, फिर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा थ्रू ऑल। और ओके, यहाँ से ऐसे थ्रू ऑल ये होल करने के बाद ये एज ब्लेंड यूज़ करेंगे हम, राउंड कर देंगे सारे कॉर्नर्स को। तो ये पूरा सेलेक्ट किया इसे और ओके, देखिए सारे कॉर्नर्स राउंड हो गए। अब इसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे, ये भी ले लेंगे हम मीडियम ग्रे। ओके ओके, इसके बाद सिलेक्शन फिल्टर, स्केच, और ये सारे स्केच हाइड कर दिए हमने, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नज़र आएगा। अब फाइल, सेव, सेव एज, ये ले लिया हमने कैप, एंटर, तो ये कैप भी बन गया हमारा। अब हम बनाते हैं बुश।
यहाँ से पहले तो इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ मैं। नई फाइल ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक किया मैंने। ओके, स्केच प्लेन सेलेक्ट किया। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल बनाएंगे। ये प्रोफाइल बन गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें कि इन सब डायमेंशंस को अब मेंटेन करना है। ये डायमेंशन जो है पहले तो यहाँ से रैपिड, ये वर्टिकल एक्सिस से इसकी दूरी ये हमें करनी है 45। ओके, और इसे करना है 90। ओके, अब यहाँ से रैपिड डायमेंशन ये दूरी हमें करनी है 11, और फिर रैपिड डायमेंशन इस लाइन से ये एक्सिस का जो ये डिस्टेंस है रैपिड डायमेंशन ये लाइन और ये जो डिस्टेंस है ये हमें करना है 15। क्लोज। इसके बाद रैपिड डायमेंशन यहाँ से ये डिस्टेंस हमें करना है 20। इसके बाद ये हो जाएगा 80। ओके, तो ये प्रोफाइल इस तरीके से हमें नज़र आएगी। अब यहाँ से फिनिश स्केच, रिवॉल्व ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, स्पेसिफाई वेक्टर, ये वेक्टर हो गया हमारे लिए, पॉइंट ये पॉइंट ले लिया। ओके, और यहाँ से अब चैम्फर करेंगे हम। ये रहा चैम्फर, 1 mm वैल्यू रखी हुई है, 1 ही mm चाहिए हमें, एक इस एज को एक इस एज को चैम्फर कर दिया। ओके, और सिलेक्शन फिल्टर स्केच, यहाँ से इसे हाइड किया। अब व्यू, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ से ये इसका अपीयरेंस चेंज किया। अब इसे सेव करते हैं, सेव एज बुश बुश 1, एंटर। ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ से नई फाइल ओपन करते हैं, न्यू। ओके, इसके बाद यहाँ से स्केच, स्केच के बाद ये ओके। अब एक पॉलीगन बनाना है हमें। यहाँ से लिया हमने, ये रहा पॉलीगन कमांड। नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं, ठीक है। रोटेशन पहले तो यहाँ क्लिक किया, फिर इसे ऊपर तक यहाँ तक लेकर आए और क्लोज। अब रैपिड डायमेंशन इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हमें करना है 14 mm। क्लोज, फिनिश स्केच और एक्सट्रूड। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, इस तरह से दिखेगा। फिर एक स्केच, ओके,
यहाँ पर अब हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल के लिए सेंटर ये हो गया और वैल्यू होगी डायमीटर की 10 mm, और फिनिश स्केच और एक्सट्रूड एक्सट्रूड फिनिश, यहाँ से फिनिश। ये स्केच हमें चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। और यहाँ से फ्लिप और ओके, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब क्या करना है, इस पे थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए हम पहले तो ये रहा मोर थ्रेड, ऐसा सरफेस पे क्लिक किया, डिटेल्ड ओके, ये फिर से लिया इसको, और माइनर डायमीटर ये, मेजर डायमीटर ये, पिच हमने 1.5 ठीक है, और यहाँ से ओके अप्लाई कर दिया। ये देखिए ये इस पर थ्रेड बन गया। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम इसकी अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, यहाँ से व्यू और एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। और ओके यहाँ से डार्क ग्रे ओके अप्लाई ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा सेव हो गया। अब यहाँ से अपीयरेंस चेंज कर दी, अब इसे हमने बोल्ट 1 के नाम से सेव कर दिया। ये जब सेव हो गया हम इसे फाइल को क्लोज करते हैं। अब असेंबली करने के लिए अब नई फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए नई फाइल ओपन होगी, असेंबलीज ओके। यहाँ बेस कंपोनेंट हमारा जो है वो सबसे पहले लगेगा, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया और बेस ओके, ये यह हम यहाँ कॉल करेंगे। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वर्क पार्ट, यहाँ से यह टच अलाइन है और हम ओके नो, ये अभी हमने इसे फिक्स नहीं किया। यहाँ से अब अगला कंपोनेंट कॉल करते हैं ऐड, यहाँ से अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2 ओपन, ये लिया यहाँ से बुश ओके, यहाँ से एब्सोल्यूट वर्क पार्ट की जगह स्नैप, और इन्हें यहाँ प्लेस कर दिया। मूव थोड़ा सा और ऊपर। अब कंस्ट्रेन पर आते हैं, टच अलाइन यूज़ करेंगे। देखिए ये टच अलाइन लिया हुआ हमने, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन। इसके बाद ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन, इसके बाद ये फेस और ये फेस, फिर ये फेस और ये फेस। यहाँ से अप्लाई और कैंसिल। अब अगला कंपोनेंट हम कॉल करते हैं एड, इस बार हम ले लेते हैं कैप ओके। यहाँ नंबर ऑफ काउंट जो है वो एक ही है, और स्नैप एब्सोल्यूट स्नैप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ रखा। मूव इसे थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे,
यहाँ से और इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे इसे, और यूँ, और थोड़ा सा ऊपर और इस डायरेक्शन में ऐसे, इस तरह से। अब कंस्ट्रेंट पर आ जाते हैं, तो टच अलाइन में जाएंगे और ये फेस, ये फेस, यहाँ से ये फ्लिप किया, ये आ गए सही जगह, अपनी सही जगह पर। अब ये देखिए सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन हमें यहाँ पे भी मिलेगी, ये सेंटर लाइन। तो ये इस तरह से देखिए, ये बुश इस पर आकर, बुश के बाद ये सॉरी कैप आकर इस पे लग जाती है। अप्लाई किया, अब इसके बाद नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे ले लेंगे हम 6, यहाँ से कॉल करेंगे हम बोल्ट को और ओके पर क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ से पहले हम कैंसिल कर देते हैं इसे, ऐड, यहाँ काउंट ले लिया हमने 6, ओपन, यहाँ से ले लिया बोल्ट, ओके। तो यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया हमने, मूव, थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे हम बोल्ट्स को, ऐसे। अब यहाँ से इसे ऊपर की तरफ लेकर आते हैं यूँ, और कंस्ट्रेन यूज़ करना शुरू करते हैं। तो टच अलाइन के लिए हमने ये देखिए, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन, ओके। अब यहाँ से आएंगे मूव पर और यहाँ से उठा के इसे ऊपर की तरफ ले गए। अब हम फिर से कंस्ट्रेन यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, फिर ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन। इसके बाद ये सेंटर लाइन सबकी हमने अलाइन कर दी। अब बारी आती है फेस की, तो एक क्लिक ये फेस पर हो गया और इसके बाद अगला क्लिक ये फेस पर, ये देखिए ऐसे लग गया। इसके बाद फिर एक क्लिक यहाँ इस फेस पर हुआ, इसके बाद घुमाया ऑब्जेक्ट को, अगला क्लिक इस फेस पर हो गया। इसके बाद फिर ये फेस सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे और ज़ूम करने के बाद ये फेस सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने फिर ये फेस सेलेक्ट किया, इसके बाद ये फेस सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से यही प्रोसीजर हम दोहराएंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये सारे बोल्ट इसमें लग गए, हमने अप्लाई कर दिया यहाँ से, कैंसिल।
अब जैसे ये नज़र आ रहा है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्शन फ़िल्टर ये लेंगे। यहाँ से हमने पहले ले लिए क्या, जितने भी स्केच थे वो यहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया विंडो बना के, और कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया, तो देखिए ये हाइड हो गए। इसके बाद हमने यहाँ सिलेक्शन फ़िल्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किए, ये पूरे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया पूरे पूरे विंडो बना के, और कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया, देखिए ये भी गायब हो गए। इसके बाद असेंबली कंस्ट्रेन है, ये लिया, सेलेक्ट किया पूरे ऑब्जेक्ट को, असेंबली कंस्ट्रेन शो होने लगे, कंट्रोल बी प्रेस कर दिया इस तरह से, देखिए ये हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा। ओके, तो दोस्तों ये था डबल बियरिंग असेंबली इन NX 12। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।